हेलो भी, कहाँ रह गए तुम? जल्दी आओ ना, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने ना एक पिज्जा मंगा लिया है, मैं पिज्जा खा रही हूँ। तुम जल्दी आ जाओ। पिज्जा? अभी तो बेटा पिज्जा लेके आया था, मेरे पे कहाँ चला गया? और वापस ले गया शायद। कैसे बेटा है, बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। बेटा बेटा, हाँ मैम, क्या हुआ? इतना चिल्ला चिल्ला के अपने पूरा रेस्टोरेंट सिर पे उठा लिया। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बहुत बड़ा कांड हो गया। अरे अभी ना मैंने पिज्जा मंगाया था, तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मेरा बेबी थोड़ी देर में आने वाला है, तो उसने बोला कि तुम एक पिज्जा मंगा लो, तो फिर मैंने एक पिज्जा मंगा लिया। तुम्हारा बेटा पिज्जा लेके आया, उसने यहाँ रखा, मैं फोन पे बात कर रही थी, मैं मुड़ी, वो पिज्जा लेके वापस चला गया, क्योंकि पिज्जा यहाँ था ही नहीं। कहाँ गया? मैडम आप कैसी बात कर रहे हो, मुझे लगता है सुबह से मैं नशा करके आ गया हूँ। कोई और वेटर नहीं, मैं खुद आपकी टेबल पे पिज्जा रखे गया था, और मुझे अच्छी तरह से याद है आपका अनियन कैप्सिकम एक्स्ट्रा चीज मीडियम साइज पिज्जा था ना? एक्स्ट्रा चीज, मैंने उसकी शक्ल देखी थी, चीज का बस नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं था। और लेकिन फिर भी भूख में ना मुझे वो देखने में अच्छा लग रहा था। इतनी देर में मैंने मेरे बेबी का फोन करा कि मैं भी पिज्जा आगे रुको मैं खा लूं। इतनी देर में पिज्जा गायब हो गया। कहाँ गया? तुम लेके चले गए ना वापस? मैं क्यों लेके जाऊंगा मैडम, मेरा पेट वैसे भी भरा हुआ है, और मैं ना रेस्टोरेंट में खाता रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। और इतने हमें बुरे संस्कार भी नहीं मिले कि कस्टमर का ही खाना खाए हम लोग। ना 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 ना, पाप पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, पाप पड़ेगा, तुम्हें देख के लग भी नहीं रहा है कि तुम यहाँ कुछ खाते भी होंगे। सूखे डंडी से हो तुम ना, कस्टमर का खाना ही खाते होंगे। मुझे लगता है तुम पिज्जा खा गए, मेरा पिज्जा खा गए। और अब ना ये कहोगी मैडम आपने पिज्जा मंगाया ही नहीं है, फिर दूसरा पिज्जा मंगाऊंगी, फिर और पैसे दूंगी। अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं मैनेजर से बात करूंगी। एक सेकंड मैडम, आपका पिज्जा ये रहा। भाई साहब आपने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, आपके पास से पिज्जा कहाँ से आ गया? दीजिए मेरे को दीजिए। अरे नहीं नहीं, ये मेरा पिज्जा है, ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? मैंने लिया है ये पिज्जा। एक मिनट, टोकन क्या है तुम्हारा? टोकन दो। टोकन क्या है तुम्हारा? टोकन गिर गया वो शायद, हाँ गिर गया। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, कौन सा वाला फ्लेवर है बताओ? ये पिज्जा है। अबे पिज्जा तो है, पिज्जा के अंदर ही फ्लेवर आते हैं। अब कौन सा पिज्जा वाला? तेरी ऐसी, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, सीसीटीवी चेक करवा देता हूँ, उसमें साफ साफ पता लग जाएगा कि तुमने चोरी की है कि नहीं की है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं भैया, वो मैडम का ही पिज्जा है। लीजिए मैडम आपको पिज्जा। शर्म नहीं आती? मैं इतनी देर से उस बेचारे के ऊपर चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, तुम इतनी देर से नहीं बता सकते थे कि मेरा पिज्जा, और ये पिज्जा तुम्हारे टेबल पर गया कैसे? तुमने चोरी की है, पुलिस बुलाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, पुलिस बुलाने की जरूरत क्या है? वो ना मेरा ना बहुत मन कर रहा था आपका पिज्जा खाने का, क्योंकि आपके रेस्टोरेंट का पिज्जा ना बहुत फेमस है, तो मैं आ गया यहाँ पर, और फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ना एक आइडिया लगाया, इनका ना पिज्जा रखा हुआ, तो मैंने टेबल से टेबल मिला के ना ऐसे अपने साइड में खींच लिया, और इतनी देर में मैडम ने शोर कर दिया। उससे पहले ये फोन में लगी हुई थी, और थोड़ी देर फोन में लगी रहती तो एक स्लाइस तो खा लेता मैं। हाँ पे अगर पैसे नहीं थे तो मांग लेता ना, मैं दे देती, मुझे पता है कि पिज्जा की भूख क्या होती है। पैसे दे दो। ए रुक जा मैडम, अब पैसे देने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा चोर है ये चोर, समझ में आ गया मैं, अब ना छोड़ूंगा नहीं तुझे। जो पास वाले सिंगम सर है ना, मार्टिन पंडित, अच्छो अच्छो की ना खटिया खड़ी कर देते हैं वो, उनको बुलाऊंगा, और उनको सख्त नफरत है जो पिज्जा के साथ बदतमीजी करते हैं, चोरी करते हैं, उसका अपमान करते हैं, क्योंकि उन्हें पिज्जा बहुत पसंद है। मुझे भी पिज्जा बहुत पसंद है, पर जो पिज्जा का अपमान करते हैं ना, वो सम्मान के लायक नहीं है, उनका सम्मान छीन लेना चाहिए। तुम ना इन्हें सजाए मौत दिलवाओ, तुम इसे फांसी पे चढ़वा दो। ठीक है, अब तुम जाओगे सीधे थाने, और मार्टिन पंडित सर के पास ना ऐसे कैसे फैला दूंगा कदमों में, और उनको साफ साफ बताऊंगा तुमने कितना बड़ा जुल्म किया है। चलो